हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में हमेशा की तरह फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही नई न्यूज़ आपके लिए है और बहुत ही शानदार न्यूज़ आपके लिए है। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, क्या है ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन से एजेंसीज इसमें मर्ज होकर के काम करेंगी या किन किन एजेंसीज के लिए काम कर पाएगा, परीक्षा की जो एजेंसीज हैं, तो उन सब चीजों का यहां पर हम लोग ब्यौरा जानेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोग जो लोग एसएससी का एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, बैंक्स के एग्जाम देते हैं या दूसरे भी कॉम्पिटिशन के जो एग्जामिनेशन आप में अपियर होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको किसी प्रकार की अन्य जानकारी या फिर कोई क्लैरिटी अगर नहीं है, तो उसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर मैं इस टॉपिक की पूरी डिटेल बताने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि अगर आप यूपीपीएससी पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हाल ही में एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम मैं यहां पर एक सफलता बैच शुरू करने जा रहा हूं। और ये सफलता बैच पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। निःशुल्क रखने का मतलब यहां पर ये कि आपको किसी प्रकार का कोई भी एडमिशन अमाउंट नहीं देना है, सिर्फ जस्ट हमारे साथ जुड़ना है और तैयारी करनी है। जुड़ने के लिए क्या करना होगा आपको? जुड़ने के लिए आपको यहां पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और साथ ही साथ नाम के नीचे आप अपने नाम के ठीक नीचे लिखेंगे यूपीपीएससी पीसीएस 2020, इतना लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जिससे कि आपको हम ग्रुप में जोड़ करके आपको तमाम सारे स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ाई का लिंक जो है वो आपको शेयर कर सकें। तो दोस्तों, ये बैच हमारा 20 अगस्त यानी कल से शुरू होने जा रहा है और इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर जुड़ने से ही मिल जाएगी कि आपका यह बैच जो है वो कितने बजे शुरू होगा। लगभग 3 से 4 घंटे का ये बैच हम लोग डेली पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका मैक्सिमम यहां पर कवर हो। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर कि ये सीईटी क्या है और किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है वो पहली बार सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था। निर्मला सीतारमण जी, जो माननीय हमारे यहाँ की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने केंद्रीय बजट में इसके बारे में चर्चा करी थी और इसके प्रस्ताव के लिए सरकार के सामने बजट को प्रस्तुत करा था। अब यहां पर देखिए, एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, अभी तक ये मंजूरी नहीं मिली हुई थी, अब ये मंजूरी मिल गई है। इसकी वजह से अब आपको जो है वो सीईटी यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा जो है वो साझा पात्रता परीक्षा जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। ये काफी हद तक उस तरीके का है जैसे कि आप सीटीईटी वगैरह देखते हैं, सीटीईटी है, या फिर किसी स्टेट टीईटी को देखते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट टीईटी को देखते हैं, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी टीईटी, आप राजस्थान से तो राजस्थान टीईटी, ऐसे करके होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अराजपत्रित पदों के चयन के लिए, तो यहां पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अराजपत्रित पदों का जो चयन है उसके लिए यहां पर आपको ये जो टेस्ट होगा वो होगा। ठीक है, यानी कि इसमें नॉन गजेटेड पोस्ट की जो जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ही इसमें अभी आएंगे और उनको हम लोग सीईटी के माध्यम से यहां पर आयोजित कराएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी काफी ज्यादा इस बात को लेकर के खुश हैं और उन्होंने विशेष प्रकार का यहां पर उन्होंने टिप्पणी भी दी है और प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये बताया है कि युवाओं के लिए काफी अच्छा रोजगार के लिए अवसर खोलेगा। अब बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको नहीं भटकना पड़ेगा, एक एकल परीक्षा होगी। उस एकल परीक्षा में उम्मीदवार जो हैं वो बैठेंगे, परीक्षा देंगे, पास होंगे और वो जो 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 उसको पास करने के बाद यानी सीईटी को पास करने के बाद जो आपको सॉरी सीईटी को पास करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आप टीटी वगैरह को भी देखते हैं तो उसी तरीके से ये भी 3 साल के लिए वैध होगा, मान्य होगा। इस दौरान उसे दोबारा एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका समय और पैसा जो है दोनों की बचत होगी और एक सेट पैटर्न पे एग्जामिनेशन होने से आपको बार बार ये भी परेशानी नहीं होगी कि किस एग्जाम में क्या आ रहा है, किस एग्जाम में क्या आ रहा है, इसकी भी परेशानियां नहीं होंगी और बहुत सारी नौकरियों में आपके जो है अवसर जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो सीटी है, ये परीक्षा जो कराएगी, इसमें कौन कौन सी एजेंसी शामिल है? दोस्तों, शुरुआत में अगर अभी देखा जाए तो इसमें एसएससी, एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड और आईबीपीएस, आईबीपीएस यानी कि यहां पर बैंकिंग सेवा कार्मिक जो बोर्ड है, ठीक है,
तो ये आईबीपीएस जो बैंकिंग के एग्जाम्स कराती है, चाहे वो बैंकिंग के क्या नाम है, क्लर्क के क्लरिकल पोस्ट के हों, या पीओ के पोस्ट के हों, या आरआरबीज के हों, रीजनल रूरल बैंक्स के, उन सबको के लिए यहां पर है। तो अब आपको एसएससी की अलग, आरआरबी की अलग, या आईबीपीएस की अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये एक साथ सीईटी की तैयारी आप करेंगे और इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके लिए वैलिड होंगे। अब यहां पर आगे दिया हुआ, केंद्र सरकार ने 20 से बताया गया है कि 20 से अधिक वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 20 से अधिक जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। सोचो एक बच्चे को कितना ज्यादा फॉर्म भरने पड़ते थे, कितने ज्यादा अलग अलग जगहों पर, और इसी वजह से सही समय पर, उचित समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाती थी, अलग अलग एग्जामिनेशन क्लैश होते थे, कभी किसी को टेंडर नहीं मिल रहा है, तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। अब वो प्रॉब्लम्स जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी केवल 3 एजेंसीज के साथ ही साझा परीक्षा हो रही है, आगे चल करके अन्य जो एजेंसीज है वो भी इसके साथ साझा करेंगे परीक्षा। अब यहां पर ये भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो है, ना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को इंक्लूड किया जाए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इस सर्टिफिकेट का यूज करके अपने आपको यहां पर एलिजिबल करवा सकते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे सीटीईटी है, कई सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं वो अब प्रिफर करने लगे हैं कि आपने टीईटी क्वालिफाई किया हो, जबकि वो गवर्नमेंटाइज्ड वो स्कूल्स नहीं होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो कई प्राइवेट स्कूल्स में भी डिमांड होने लगी है, तो इसी प्रकार से प्राइवेट जगहों पर भी इसकी डिमांड होनी जो है रिक्रूटमेंट में होने लगेगी, ऐसा यहां पर माना जा रहा है। अगर ये सफल रहता है, सारी चीजें बढ़िया अपने कदम पर रहती हैं, तो सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जो है भर्ती जो है काफी सस्ती हो जाएगी, समय भी कम लगेगा, और अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के एक तरीके की तैयारी करने का यहां पर मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताया कि किस तरीके से आपको ये सब चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो आशा करता हूं कि सीईटी को लेकर के सारी जो आपके मन में जो भ्रम थे वो सारे दूर हो गए होंगे। अभी भी किसी भी प्रकार के अगर आपको किसी